अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। लोगों के जान को आफत में डालकर कुछ लोगों ने कोरोना आपदा को भी पैसा कमाने के अवसर में तब्दील कर दिया। भारी व बढ़ती मांग को देखते हुए सैनिटाइजर ही बनाना शुरू कर दिया। इस सैनिटाइजर को यूज करने वाले सोच रहे होंगे कि वे सैनिटाइज हो चुके हैं, लेकिन हकीकत क्या है, यह तो नकली सैनिटाइजर बनाने वाला ही जाने। मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना पुलिस ने आज बाईपास स्थित वेंकटेश्वर कॉलेज के पीछे एक मकान में अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 400 लीटर सैनिटाइजर आदि बरामद कर लिया। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक सार्थक कंसल, पुत्र अजय कंसल निवासी उदय सिटी पल्लवपुरम व उसके दो वर्कर अरुण कुमार व राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सार्थक कंसल ने बताया कि यह फैक्ट्री सीमा अजय केमिकल के नाम से है और उनके पास सैनिटाइजर बनाने का कोई लाइसेंस नहीं है। लालच के कारण उन लोगों ने यह कार्य शुरू कर दिया था। मौके से पुलिस ने अवैध रूप से निर्मित सैनिटाइजर अलग अलग पैकिंग में तथा अन्य केमिकल सैनिटाइजर बनाने के सभी उपकरण भी कब्जे में ले लिए हैं। बरामद केमिकल लगभग 400 लीटर है। सर, थाना क्षेत्र कंकड़खेड़ा में नकली सैनिटाइजर की फैक्ट्री पकड़ी गई, क्या मामला हुआ सर? थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कंकड़खेड़ा द्वारा पुलिस टीम के साथ दबिश देकर एक केमिकल बनाने की पुरानी फैक्ट्री में नकली सैनिटाइजर बनाते हुए मिला है, जिसमें लगभग 400 लीटर नकली सैनिटाइजर और 3 अभियुक्त मिले हैं। इसमें जो मेन आदमी है वो है अजय नाम का व्यक्ति, उसी के द्वारा ये सारा कार्यकलाप किया जा रहा था। उसके दो साथी भी मिले हैं जो इसमें सहयोग कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो टीम है, टीम पूरी जाँच कर रही है, सारे तथ्यों की जाँच करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।